हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि साउथ कोरिया का अकाउंट हम कैसे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही जल्दी। देखो, हमें साउथ कोरिया का अकाउंट बनाना क्यों है, क्योंकि यूएसए का जो अकाउंट होता है ना, यूएसए अकाउंट में आप गूगल प्ले पॉइंट का जो उतना सारा पॉइंट मिलता है उतना ज़्यादा नहीं मिलता, इसलिए साउथ कोरिया अकाउंट में ज़्यादा प्ले पॉइंट मिलता है। तो इसलिए आपके पास एक साउथ कोरिया का अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं इस वीडियो में मैं साउथ कोरिया का एक अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा, तो आप लोग वीडियो को सारा ध्यान से देखना। तो अगर आप साउथ कोरिया का अकाउंट क्रिएट कर लेते हो तो वहाँ पर गूगल प्ले पॉइंट में आपको बहुत सारा पॉइंट अर्न करने को मिलेगा। तो अगर किसी को भी अगर नहीं पता होता है कि प्ले पॉइंट क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। प्ले पॉइंट गूगल की तरफ से ही एक सर्वे दिया जाता है, प्ले स्टोर के अंदर ही अवेलेबल होता है। ये सिर्फ यूएसए, साउथ कोरिया और भी स्टेट के लिए अवेलेबल है, लेकिन इंडिया के लिए नहीं है। वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे ऐप्स दिया हुआ होता है, हफ्ते में बहुत सारे ऐप्स आता है, उन सारे ऐप्स को आप डाउनलोड करके आप पॉइंट अर्न कर सकते हो, और उस पॉइंट को आप गूगल प्ले वाउचर में रिडीम कर सकते हो। गूगल प्ले जो गिफ्ट कार्ड होता है वहाँ पर आप रिडीम कर सकते हो। तो हमको आप उस पॉइंट से आप बहुत कुछ खरीद सकते हो, पबजी का इलाइट पास, तारपरे फ्री फायर का जो पास होता है, तब बहुत सारे पेड्स, ऐप्स, गेम्स सब इस पॉइंट से खरीद सकते हो। तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, पहले मैं साउथ कोरिया के अकाउंट क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको एक VPN कोरिया करके एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। और आपको और एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, गूगल ओपिनियन रियाड। तो इस दोनों को डाउनलोड करने के बाद पहले हम साउथ कोरिया यहाँ से कनेक्ट हो जाते हैं, साउथ कोरिया के स्टेट से। आपको ये वाला VPN की ज़रूरत पड़ेगा, तो ये लोडिंग ले रहा है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो साउथ कोरिया, यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं, फिर यहाँ पर साउथ कोरिया से हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये थोड़ा वक्त लेगा, थोड़ा सा ही लेगा, ये और कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कनेक्ट हो चुका है, देख सकते हो ऊपर के साइन के VPN का सिम्बल आ चुका है यहाँ पर। तो उसके बाद हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद हम यहाँ पर चले जाएंगे अकाउंट साइन, अकाउंट में साइन के जाने के बाद यहाँ पर चले जाएंगे गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद सॉरी यहाँ पर हम चले जाएंगे, यहाँ पर ऐड अकाउंट कर लेंगे, ऐड अकाउंट कर लेने के बाद यहाँ पर चले जाएंगे गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद ये थोड़ा लोडिंग लेगा, उसके बाद हम यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर हम कोई सा भी नाम दे देंगे। नाम देने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, करने के बाद यहाँ पर आप कोई सा भी डेट दे देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे, उसके बाद हमारा कोई सा भी एक जीमेल ले लेंगे, यहाँ पर से हम ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद पासवर्ड दे देते हैं, पासवर्ड हम कुछ भी दे देते हैं। पासवर्ड देने के बाद हम नेक्स्ट करते हैं, फिर हम फोन नंबर से वेरीफाई कर देते हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर फोन नंबर चाहते हैं तो दे दीजिए, क्योंकि ये आपका ही अकाउंट होगा। आप इसको बार बार, आपका मेन अकाउंट होगा ये, आपसे बार बार आप ये करेंगे, उस अकाउंट की यूज़ करेंगे, तो आपका नंबर दे दीजिए। नंबर देने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए, आपका नंबर देने के बाद। अगर नहीं चाहता तो देने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर चाहते हैं तो दे दीजिए। तो मैं यहाँ पर नंबर दे देता हूँ। नंबर देने के बाद आपके नंबर पर एक कोड आएगा, कोड्स को दे दीजिए। दे देने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। अगर आपका नंबर चाहता है तो दे दीजिएगा, अगर नहीं चाहता है तो देने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये फोन नंबर हम यहाँ पर स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद ये हमारा जीमेल अकाउंट क्रिएट हो चुका है, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अभी काम नहीं हुआ है पूरा, तो ये यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ पर एग्री कर देंगे। एग्री करने के बाद ये थोड़ा लोडिंग लेगा, उसके बाद आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगा, गूगल ओपिनियन रियाड। इसको आप ओपन कर लेंगे, ओपन
ओपन करने के बाद यहाँ पर गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो अकाउंट अभी क्रिएट किए थे उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, हमने ये वाला अकाउंट क्रिएट किया था अभी, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप नो थैंक्स कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप थ्री डॉट में क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसका थ्री डॉट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आपको प्रोफाइल सेटअप करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पर साउथ कोरिया सिलेक्ट है। अगर सिलेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पर आप साउथ कोरिया सिलेक्ट कर लेंगे। साउथ कोरिया सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप पोस्टल कोड में लिखेंगे 48027। ओके, ये लिखने के बाद आप यहाँ पर एज सिलेक्ट कर देंगे। मैं कोई सा भी एज सिलेक्ट कर देता हूँ, मेल सिलेक्ट करता हूँ, फिर इंग्लिश, फिर यहाँ पर कंप्लीट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आपको ये वाला सेट कर देना है। ये वाला सेट कर देने के बाद ही हमारी ये प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगा और गूगल को लगेगा कि ये साउथ कोरिया का अकाउंट है। तो ये थोड़ा लोडिंग लेगा, उसको देख सकते हैं साउथ कोरिया। यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये प्रोफाइल सेटअप हो रहा है। तो प्रोफाइल सेटअप सक्सेसफुल ये हो चुका है। हम इसको बैक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर हमारा अभी तक कुछ भी पॉइंट नहीं हुआ है। तो इसके बाद एक सर्वे टाइप आएगा, तो आप सर्वे कंप्लीट कर देना। तो इसके बाद हम फिर से गूगल प्ले स्टोर में जाते हैं। प्ले स्टोर में जाने के बाद वो अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ से ऊपर से एक सर्वे आ चुका है, तो हम यहाँ पर जाएंगे। तो सर्वे कंप्लीट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार बैक करके कि यहाँ पर सर्वे आया कि नहीं। सॉरी, तो हम यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। देख सकते हैं एक सर्वे आया है। ये सर्वे का अटेंड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ये फर्स्ट टाइम आपका सर्वे आएगा, तो एक बार ये पूछेगा गूगल लैब से, तो ये इसको कर देंगे। तो उसके बाद और भी सर्वे आएगा। तो ये सर्वे का हम अटेंड कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद हम कोई सा भी आप आंसर दे दीजिएगा इसका। देने के बाद कोई सा भी दे दीजिएगा आंसर, तो मैंने कहा ये थैंक यू बोलेगा। देख सकते हैं थैंक यू बोला। तो इसके बाद आपका सर्वे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हम प्ले स्टोर में चले जाते हैं और उस अकाउंट को यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेते हैं, जिस अकाउंट हमने यहाँ पर क्रिएट किया था। तो इस अकाउंट का हम यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपका देख सकते हैं यहाँ पर प्ले पॉइंट का ऑप्शन आ चुका है। देख सकते हैं ये लोडिंग हो रहा है। तो यहाँ पर इस गेट स्टार्टर पे ऊपर क्लिक करेंगे। ये आई एम पे ऊपर क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पर प्ले पॉइंट आना शुरू हो चुका है। यहाँ पर ये खुल चुका है। तो यहाँ पर से कुछ दिनों के अंदर ये ऐप देना शुरू हो जाएगा। तो हो जाने के बाद यहाँ पर से आप पॉइंट अर्न कर सकते हैं। तो हमारा ये साउथ कोरिया का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो हमने ये साउथ कोरिया का अकाउंट क्रिएट कर लिया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि ये वेरीफाइड हमने जो क्रिएट किया था ये वेरीफाइड है कि नहीं गूगल की तरफ से, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस अकाउंट के सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर जनरल में आएंगे। जनरल के आने के बाद अकाउंट एंड डिवाइस परफॉर्मेंस में आएंगे, प्रेफरेंस में आएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं साउथ कोरिया यहाँ पर ये वेरीफाइड है। देख सकते हैं साउथ कोरिया ये वेरीफाइड है। ओके, तो हमने वेरीफाइड साउथ कोरिया का अकाउंट क्रिएट कर लिया है। तो ऐसे करके आप साउथ कोरिया का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो अगर कोई दिक्कत होता है तो वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ऐसे आप पहले साउथ कोरिया का अकाउंट क्रिएट कर रखो, तो इसके बाद मैं प्ले पॉइंट के ऊपर एक वीडियो और बनाऊँगा जो साउथ कोरिया से रिलेटेड होगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे टेलीग्राम में मैसेज जरूर करना। तो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं कमेंट करना, आपका कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर देता हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।